आयशा अपने आपको कैसे फिट रखती है? दिमागी तौर पे या दोनों दोनों जिस्मानी तौर पे? दोनों बहुत जरूरी है. एक्चुअली हम दिमागी तौर पे अपने आप को फिट रखने का ज्यादा सोचते नहीं है. एक्चुअली खराबी वहाँ ज्यादा होती है. बट जिस्मानी तौर पे यू नो आई ट्राई टू ईट हेल्थी. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जंक फूड से दूर रहूँ. तो ईद पे भी क्या यही कोशिश जारी रख पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. ईद पे मैं खुल के सब खाती हूँ, लेकिन शायद ओनली द फर्स्ट डे, नॉट ऑल थ्री डे. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो वो सारे गुलाब जामुन और सारी मतलब सेवैयां और सब कुछ फर्स्ट डे होता है. एंड दिमागी तौर पे फिट आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो पॉजिटिव हैं और जो आपको नीचे नहीं पुल करते, हु एलिवेट यू. अब आपके जो ईद की तकरीब होती है घर में, तो उसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग सभी आ जाते हैं, फिर क्या करें? हाँ, लेकिन आप बातों में एंगेज उन्हीं से करें जिनसे आपको कोई पॉजिटिव मिले. सबसे खानदान से तो नहीं कट सकता ना बंदा. तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं. नहीं, आप मिले सबसे बहुत अच्छी तरह, बट एंगेजमेंट जो आपने करनी है वो आप फिर यानी कि किसी को अपने आप को दुखी करने का मौका फरहम ही ना करें. है ना? हाँ, ये इस तरह फिट बिल्कुल. या आप कहें मैं एक सेकंड सवैया देख के आ रही हूं. अभी आ रही हूं. या किसी और ने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आप चाहते नहीं है देना, जो पर्सनल है और जो अनकंफर्टेबल है आपके लिए, तो उसको कैसे टैकल करें, ये मैं सबसे पूछती हूँ. क्योंकि आपने रूट भी नहीं होना कि सॉरी जी मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस. तो वेल समबडी सेड दे आप बड़े मैटर ऑफ फैक्टली क्लियरली बोला करें कि यू नो दिस इज वेरी पर्सनल एंड इट्स पुटिंग मी इन अ बैड स्पॉट. अच्छा, तो यू नो आई'd रादर नॉट टॉक अबाउट इट. तो हिसाब से आप बोल दें. जुगाड़ बता रही हो? जुगाड़ ये है, जुगाड़ ये है कि आप कहें आप मेरी छोड़े आप छोड़े मेरी खाला भी खाला मेरी सुनाए. ये अच्छा है ना? ये अच्छा. तो जो ऑड मैंने जो सीखा है वो ये है. और मेरी बहन शी वाज अ स्टॉक ब्रोकर. अच्छा. तो वो उसको हर किस्म का इंसान डील करना पड़ता था काम से. सो शी सेड कि अगर कोई ऑड क्वेश्चन पूछे तो आपका भी क्वेश्चन आपका आंसर नहीं होना चाहिए, आपका भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. आई थॉट दैट वाज वेरी स्मार्ट. कि अगर आपसे पूछे अच्छा भाई तो शादी कब हो रही है, तो आप कहें क्यों आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, आप पूछे अगर उनकी हुई भी हो शादी तो आपकी शादी कैसी जा रही है? कैसी जा रही है आपकी शादी कैसी चल रही है? ये पूछे आप. बस निदा, आप जब आप पूछेंगी ना मुझसे क्या प्लान है, मैं आपको बता भी दूंगी मेरी शादी कैसी चल रही है. मैं बिल्कुल ही शर्माती, सबको बता देती हूँ. मैं तो खुली किताब हूँ.